तुम इस वक्त यहाँ पर सब ठीक है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ, बस दिल घबरा रहा था तो हवा खाने बाहर चली आई। अबान, मॉम के जाने के बाद से ये घर बहुत खाली हो गया है। एंड ऑनेस्टली मॉम मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर चली गई है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इसके काबिल हूं या नहीं। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हो मेरी जान, रिलैक्स, हम अकेले थोड़ी हैं। अरे मामा हैं, सिकंदर अंकल हैं, वो करेंगे ना हमारी हेल्प। और जहां तक रहेगी उस जयान की बात, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है वो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और स्पेशली जब कोई मॉम की सीट पर जाकर बैठता है ना, जयान हो या कोई भी हो, उनकी चीजें इधर उधर कर देता है, मुझे वो बात बिल्कुल नहीं पसंद है मॉम। अबान, मॉम की जगह कोई नहीं ले सकता। दुनिया का ये उसूल है कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तो कोई दूसरा आकर उसकी जगह ले ले, लेकिन वो उसकी कमी नहीं पूरी कर पाता। लेकिन हाँ, उसके छोड़े हुए कुछ अधूरे काम पूरे कर जाता है। अबान, अब तुम्हें वो जिम्मेदारी लेनी होगी, तुम्हें मॉम के छोड़े हुए अधूरे काम पूरे करने होंगे। और ऐसी छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते। मॉम हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में तो जिंदा है ना। शायद तुम ठीक कह रही। खैर अंदर चलें, अब बहुत रात हो गई। चलो नीता, हमें जल्दी से कहीं मोबाइल ढूंढनी है। तुम इधर देखो, मैं उधर देखती हूँ। मैं उधर देखती हूँ। मैं कबर को देखती हूँ। मिली क्या? नहीं, पता नहीं उस निम्बो ने ये फाइल छुपा के कहाँ रखी है। आंटी, कहीं ऐसा तो नहीं वो पेपर निम्बो वकील को चेक करवाने ले गई हो? अरे नहीं नहीं इस वक्त वो शायान को वैक्सीनेशन के लिए लेके गई है। आलम भाई, ये आप जायन बाबा को जरा गार्डन में ले जाएं। मैं जो अच्छा अच्छा बस 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 मुझे रूम में कुछ काम है, मैं आती हूँ। अच्छा बस 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 आप इसको ले जाओ। बस 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 मैं आ रही हूँ। आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है ये सब? और मेरे कपड़े क्यों बिखरे हुए हैं? हम यहाँ इसलिए आए, वो फाइल कहाँ है जो अबान को दी थी सिकंदर अंकल ने साइन के लिए? वो फाइल दो हमें। ओ, वो पेपर्स? जी वो मैंने फाड़ के फेंक दिए। क्या कहा? फाड़ कर फेंक दिए? लेकिन क्यों? आंटी, वो पेपर्स मैंने पढ़ लिए थे और मुझे सिकंदर अंकल का फैसला कुछ पसंद नहीं आया, बस इसीलिए वो पेपर्स फाड़ कर फेंक दिए। देखो निम्रा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने असल रूप में आ जाऊं। हम जैसे कह रहे हैं तुम वैसे ही करो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बाहर भेज दूंगी, तुम्हें तुम्हें जिंदगी की सारी आसाइशें दूंगी, तुम्हें, शायान को, अबान को, सबको तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से सेटल कर दूंगी बाहर मुल्क। आंटी, वैसे इट्स अ ग्रेट ऑफर, बट मुझे ये डील कुछ पसंद नहीं आई।
मैं अबान और शायान इसी घर में रहेंगे, हम बहुत खुश हैं। तुम मैं सबक सिखाती और काट क्या है तेरी? ये आप मुझसे पूछ रही हैं कि मेरी औकात क्या है अनीता भाभी? आप नहीं जानती मेरी क्या औकात है? अब तक तो मैं मॉम के प्यार और उनकी इज्जत की वजह से चुप थी, अब मेरे पास कोई वजह नहीं है खामोश रहने की, इसलिए आज के बाद मुझसे होशियारी मत कीजिएगा। इज्जत करती हूं तो उसको रहने दे। अब आप लोग यहां से जा सकते। देखो निम्रा, तुम क्यों अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाना चाहती हो? अगर तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं तो तुम प्यार से समझो, वरना जो होगा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम सिकंदर के गुस्से को नहीं जानती हो, उसको तो मैं भी नहीं कंट्रोल कर सकती हूं, और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए जो हम कहते हैं वही करो। आप मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं, धमकी नहीं दे रही, तुम्हें इन्फॉर्म कर रही। चलो अनीता, इसको तो सिकंदर खुद ही देख लेगा। ये निम्मो नाम की जो मछली है ना, ये आसानी से फंसने वाली नहीं। करता हूं अबान से बात, वो समझा बुझा कर राजी करता है उसे, कर देगी साई। अबान निम्मो को समझाएगा? वो तो खुद पागल है। देखा नहीं था उस दिन जब मैं भाभी की कुर्सी पे बैठी थी उसको कितनी तकलीफ हो रही थी? कुछ ना कुछ तो करना पड़े, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो फिर उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा। लेकिन करोगे क्या? बस तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूं। वो लड़की सारी जायदाद तुम्हारे नाम खुद करेगी।